नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिव शंकर के बाकी 10 अवतारों के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को उनके 9 अवतारों के बारे में बताया था, ये उसी का पार्ट 2 है। उस वीडियो को आप लोगों का बहुत प्यार मिला। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियोस के सारे अपडेट्स आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अभी तो महादेव का महीना चल रहा है, मेरा मतलब है सावन का महीना, और इस बार तो महादेव ने अपने भक्तों पर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटाया है। इस बार सावन 30 दिनों का नहीं बल्कि 59 दिनों का है। तो दोस्तों, महादेव जी के बारे में जानने के लिए इससे अच्छा समय क्या ही हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर पहले सब मिलकर बोलते हैं हर हर महादेव। 10वां अवतार वृषभ अवतार। भगवान शंकर ने विशेष परिस्थितियों में वृषभ अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान शंकर ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो उन्हें वहां 10 बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। 11वां अवतार यतिनाथ अवतार। भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि के महत्व का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस अवतार में 11 अतिथि बनकर भील दंपत्ति की परीक्षा ली थी, जिसके कारण भील दंपत्ति को अपने प्राण गंवाने पड़े। धर्म ग्रंथों के अनुसार अरबुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका भील दंपत्ति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपत्ति के घर रात बिताने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। सुबह आहुका और यति ने देखा कि वन प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक ना करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए हैं। जब आहुका अपने पति की चिताग्नि में जलने लगी तो शिव जी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। 12वां अवतार कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। इस प्रकार यह अवतार पूर्णता धर्म का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का 12वां जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए नभग जब बहुत दिनों तक ना लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभग को जब इस बात का पता चला तो अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा कि वह यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करे। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव शुक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ का अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग चले गए। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिव जी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा वह पुरुष शंकर भगवान है, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिव जी की स्तुति की। 13वां अवतार अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञा पूर्वक बात कर उसका परिचय पूछा तो भी वह मौन रहा। क्रोधित होकर इंद्र ने जैसे ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ जड़ हो गया। यह देखकर बृहस्पति जी ने शिव जी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की।
जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। 14वां अवतार भिक्षु वर्य अवतार। भगवान शंकर देवों के देव हैं, महादेव हैं, संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीवन के रक्षक भी हैं। भगवान शंकर का भिक्षु वर्य अवतार यही संदेश देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इतने में ही शिव जी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। शिव जी ने भिक्षु का रूप धर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया तथा यह भी कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब करके भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश अनुसार भिखारिन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिव जी की कृपा से अपने दुश्मनों को हरा कर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। 15वां किरात अवतार। किरात अवतार ने भगवान शंकर ने पांडु पुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। महाभारत के अनुसार कौरवों ने छल कपट से पांडवों का राज्य हड़प लिया था, जिसके कारण उन्हें वनवास पर जाना पड़ा। वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने सुअर पर अपने वान से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात भेष धारण कर उसी सुअर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और सुअर का वध उसके बाण से हुआ है यह कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात भेषधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अपना पाशुपात अस्त्र अर्जुन को प्रदान किया। 16वां अवतार सुंटनतक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल ने उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिव जी ने सुनट नर्तक वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिव जी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिव जी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमालय ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिव जी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिव जी को देने का निश्चय किया। 17वां अवतार ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिव जी को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनके विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उनके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगा, तब उन्हें शमशानवासी और कापालिक भी कहा। यह सुन पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति व प्रेम देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। यह देख पार्वती अति प्रसन्न हुई। 18वां अर्धनारीश्वर अवतार। भगवान शंकर का यह अवतार हमें बताता है कि समाज परिवार व सृष्टि के संचालन में पुरुष की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही स्त्री की भी है। अर्धनारीश्वर अवतार लेकर भगवान ने यह संदेश दिया है कि समाज तथा परिवार में महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही आदर व प्रतिष्ठा मिले। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि में प्रजा की वृद्धि न होने पर ब्रह्मा चिंतित हो उठे। तभी आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि उत्पन्न कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प लिया, परंतु तब तक शिव ने नारियों का कुल उत्पन्न नहीं हुआ था। तब ब्रह्मा ने शक्ति के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा की तपस्या से परमात्मा शिव संतुष्ट हो अर्ध नारीश्वर का रूप धारण कर उनके समीप गए और अपने शरीर में स्थित देवी शिवा शक्ति के अंश को पृथक कर दिया। इसी के बाद सृष्टि का विस्तार हुआ। 19वां अवतार सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर इंद्र अवतार भक्त के लिए उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया।
धर्म ग्रंथों के अनुसार व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिव जी के शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। शिव जी ने सुरेश्वर का रूप धारण कर उसे दर्शन दिए और शिव जी के अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हुआ। उपमन्यु की भक्ति और अटल विश्वास को देखकर शिव जी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा क्षीर सागर में समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिव जी ने उसे परम भक्ति का पदवी दिया। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के 19 अवतार। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, हंसिए, खेलिए, खुश रहिए, जिंदगी का मजा लेते रहिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ। आपका दिन शुभ हो।